गुड मॉर्निंग किड्स, क्लास 5th, इंग्लिश 1। तो इंग्लिश 1 में हमने आज लास्ट जो पढ़ा था वो क्या था? वो है लेसन नंबर 4, रॉबिन्सन क्रूजो। ठीक है, तो रॉबिन्सन क्रूजो में हमने जो स्टोरी पढ़ी थी उसे हमने आधे में ही छोड़ दिया था। रॉबिन्सन क्रूजो एक जवान लड़का था जिसका मन क्या था? सेलर बनने का। तो वो अपने पेरेंट्स से कुछ लड़ाई झगड़ा करके निकल गया था और उसने अपनी जो फर्स्ट समुद्री यात्रा थी वो 19 की एज में स्टार्ट की। लेकिन जब वो अपनी समुद्री यात्रा कर रहा था तो उसका जो शिप है वो क्या हो गया? रैक्ड हो गया। रैक्ड मतलब होता है नष्ट हो गया। लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता था तो उसने क्या किया था, उसने अनदर शिप बोर्ड किया। मतलब उसने एक अलग एक शिप लिया, जहाज लिया और वो ब्राज़ील निकल गया। ब्राज़ील में पहुंच के उसने क्या स्टार्ट किया, वो फार्मर बन गया और कुछ टाइम बाद वो क्या बन गया, ओनर ऑफ अ शुगर प्लांटेशन। वो एक शुगर फैक्ट्री है उसका, प्लांटेशन का मालिक बन गया। धीरे धीरे वो रिच हो गया। फिर वो अपनी एक बिज़नेस यात्रा पे गया, व्यापारी कुछ उसका वो था, यात्रा थी, तो उसमें वो अफ्रीका गया। इस टाइम भी उसका जहाज़ एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हुआ। लेकिन ये जो हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, ये पिछली बार के भी हादसे से बहुत ज़्यादा था। फिर क्या हुआ, इसमें वो उसका जहाज़ जो है एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे आइलैंड पे आ गया जहाँ पे कि वो एक अकेला इंसान था, सर्वाइवर, सोल सर्वाइवर था, अकेला एक सर्वाइवर था। बहुत सालों तक वो वहाँ पे रहा। बहुत साल गुजारने के बाद, 15 साल गुजारने के बाद एक दिन वो अपनी बोट के पास आ रहा था तो उसने फुटप्रिंट देखे तो वो डर गया और वो वापस अपने कहाँ चला गया, केव में वापस चला गया। और उसने केव में अपने क्या करता था, हथियार बनाता था। हथियार क्यों बनाता था? अपनी सेफ्टी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए वो कुछ हथियार बनाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए। ही रैन क्विकली टू हिज केव एज इफ टू सेव हिमसेल्फ। जब उसने फुटप्रिंट देखे तो वो अपनी गुफा में वापस गया और उसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए गुफा के अंदर गया। रॉबिन्सन मेड अ शार्प वेपन, उसने एक बहुत ही नुकीला सा वेपन, एक हथियार बनाया। विच ही कैरीड विद हिम एवरीवेयर फॉर सेल्फ डिफेंस, उसने एक बहुत ही नुकीला सा हथियार बनाया जैसे कि वो हमेशा अपने पास रखता था अपने बचाव के लिए। वन इवनिंग रॉबिन्सन क्रूजो सॉ मैनी पीपल, एक दिन क्या हुआ, रॉबिन्सन क्रूजो ने बहुत सारे लोगों को देखा। दे यूज टू ईट अदर ह्यूमन्स, वो जो लोग थे वो इंसानों को खाने वाले लोग थे। वो अलग आइलैंड से आए थे जो कि उसी के ही नज़दीक था। नेक्स्ट डे क्रूसो सॉ द रैक ऑफ अ शिप, नेक्स्ट डे उसने एक क्या देखा, जहाज़ देखा। एवरी वन वॉज ड्रोन, सभी लोग जो उस जहाज़ में थे वो डूब चुके थे। हाउ एवर देयर वॉज अ लोन सर्वाइवर, वहाँ पे केवल एक ही क्या था, एक ही लोन सर्वाइवर, मतलब अकेला ही एक प्राणी जो था वो बचा, एक इंसान बचा। रॉबिन्सन टुक द मैन टू हिज केव, रॉबिन्सन उस आदमी को अपने साथ लेके अपनी गुफा में गया। एंड सेव्ड हिज लाइफ, उसने उसकी जान बचाई। ही नेम्ड हिम फ्राइडे, उसने उसका नाम रखा फ्राइडे, क्योंकि वो लोग कब मिले थे, जिस दिन उसको वो रॉबिन्सन को वो आदमी मिला था, तो उस दिन क्या था, फ्राइडे था, इसलिए रॉबिन्सन ने उसका नाम रख दिया फ्राइडे। रॉबिन्सन टॉट हिम इंग्लिश, रॉबिन्सन ने उसे इंग्लिश सिखाई। फ्राइडे हेल्प रॉबिन्सन इन हिज वर्क, जो फ्राइडे उसे एक इंसान मिला था उस आइलैंड पे, तो वो फ्राइडे जो था रॉबिन्सन की क्या करता था, काम में मदद किया करता था। वन डे फ्राइडे वेंट मिसिंग, एक दिन क्या हुआ, एक दिन फ्राइडे जो है वो मिसिंग हो गया, लापता हो गया। रॉबिन्सन सर्च एंड सॉ दैट ही वॉज अबाउट टू बी किल्ड बाय द पीपल, रॉबिन्सन ने फ्राइडे को बहुत ढूंढा। एंड सॉ दैट ही वॉज अबाउट टू बी किल्ड बाय द पीपल, और उसने देखा कि वो जो लोग हैं अनदर उससे आए हुए आइलैंड से जो आए हुए लोग हैं वो क्या करने वाले हैं, वो फ्राइडे को मारने वाले हैं। He used all his weapons and finally managed to kill all their enemies. जैसे ही रॉबिन्सन ने देखा कि वो लोग जो हैं फ्राइडे को मारने वाले हैं, तो रॉबिन्सन ने अपने क्या किए, सारे के सारे हथियार निकाले और उन दुश्मनों को मार दिया। फ्राइडे वॉज सेफ, फ्राइडे को उसने सुरक्षित बचा लिया। रॉबिन्सन क्रूजो एंड फ्राइडे सेल्ड बैक टू ब्राज़ील, अब रॉबिन्सन और जो फ्राइडे थे वो दोनों के दोनों कहाँ वापस आए, ब्राज़ील आए। वेयर रॉबिन्सन हैड लेफ्ट हिज बिजनेस, जहाँ ब्राज़ील में रॉबिन्सन अपना बिजनेस छोड़ के आया था, वहाँ रॉबिन्सन उसके साथ वापस गया, फ्राइडे के साथ वापस गया। यूजिंग द बोट ऑफ द एनिमीज, उन दुश्मनों की बोट लेके वो वहाँ पे पहुँचे वापस।
ही फाउंड आउट दैट ही हैड बिकम अ वेल्दी मैन. उन्होंने कुछ दिनों बाद देखा, ही फाउंड आउट दैट ही हैड बिकम अ वेल्दी मैन. वो लोग, उसने कुछ दिनों बाद देखा कि वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, वेल्दी मैन हो चुका है. फ्राइडे कंटिन्यू टू स्टे विद रॉबिन्सन क्रूजो हेल्पिंग हिम विद हिज प्लांटेशन. धीरे धीरे फ्राइडे ने क्या किया, फ्राइडे अब रॉबिन्सन क्रूजो के ही साथ रहने लग गया और उसके प्लांटेशन में उसकी मदद करने लग गया. तो आपने ये देखा कि हमने इस लेसन को कंप्लीट किया. आपने अब आपका काम है, आपने इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करना है, देखना है, पढ़ना है, रीड करना है आपने इसको, और समझना है कि लेसन में क्या है. वैसे मैंने आपको समझा दिया, आप इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर सकते हैं. तो इसमें मैं आपको देखिए क्या करवा रही हूँ, मैं आज इसमें करवा रही हूँ आपको टिक द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो आप इसको कॉपी में भी देख लीजिएगा. देख लीजिए, सबसे पहला काम है आपका डेट डालने का और लेसन है हमारा रॉबिन्सन क्रूजो. तो देख लीजिए, आपने फिर लिखना है टिक द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट वाला. रॉबिन्सन लव्ड टू बी अ, रॉबिन्सन क्या बनना चाहता था, रॉबिन्सन टीचर बनना चाहता था, सेलर बनना चाहता था या फिर प्लेयर बनना चाहता था. तो रॉबिन्सन हमेशा क्या बनना चाहता था, सेलर. तो आप बी वाले में निशान लगा देंगे. ठीक है, बॉक्स बनाना है, उसके अंदर सही का निशान लगाना है. टू देखिए, रॉबिन्सन वेंट फॉर हिज फर्स्ट वॉयज एट द एज ऑफ ए 15 ईयर्स, बी 20 ईयर्स और सी 19 ईयर्स. तो किस एज में गया था वो, 19 ईयर्स. ठीक है, थ्री देख लीजिए, रॉबिन्सन वेंट टू ब्राज़ील वेयर ही बिकेम अ, रॉबिन्सन ब्राज़ील गया और वहाँ क्या किया उसने, किस चीज़ का मालिक बना वो, ओनर ऑफ अ, ए है सेलर, बी है टीचर और सी है आपका ओनर ऑफ प्लांटेशन. तो क्या है इसका आंसर, सी है इसका आंसर, ओनर ऑफ प्लांटेशन. फोर देख लीजिए, वन डे वाइल गोइंग टू हिज बोट रॉबिन्सन सॉ ए एन एनिमल, बी फुटप्रिंट, सी यंग मैन. तो एक दिन जब वो रॉबिन्सन अपनी बोट के पास जा रहा था तो उसने क्या देखा, वाइल गोइंग टू हिज बोट रॉबिन्सन सॉ, रॉबिन्सन ने क्या देखा, रॉबिन्सन ने देखा था फुटप्रिंट. तो आप फुटप्रिंट पे क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे. ठीक है, इसमें आगे देखिए, फिफ्थ, रॉबिन्सन वॉज डैश ऑन सीइंग द फुटप्रिंट. जब रॉबिन्सन ने फुटप्रिंट देखा तो वो क्या हो गया, हैप्पी, स्केयर्ड और सैड. तो रॉबिन्सन क्या हो गया था, रॉबिन्सन स्केयर्ड हो गया था, स्केयर्ड मतलब होता है डर गया था. सिक्स देख लीजिए, रॉबिन्सन मेड शार्प वेपन्स ए फॉर फन, बी फॉर सेल्फ डिफेंस, सी एज इट वॉज हिज हॉबी. तो क्यों बनाता था रॉबिन्सन शार्प वेपन्स, तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका बी फॉर सेल्फ डिफेंस. तो ये आपका काम है, आपने इस तरीके से इसको करना है. जब आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे. तो आप ये काम कर लीजिएगा अपनी कॉपी में. ओके,